यूपी के हरदोई जिले में एक कैदी को डायलिसिस के लिए राजधानी लखनऊ भेजा गया तो उसने पुलिस के साथ जाने से इनकार कर दिया। पुलिस सोमवार को उसे ले जा रही थी तो कैदी ने हंगामा मचा दिया। पुलिस वालों से कहा कि लिख कर दो कि रास्ते में मुझे गोली नहीं मारोगे। जेल इरो ने गोली मारने का आदेश किया है कि गोली मार देंगे रिजवान के ट्रामा सेंटर ले जाके। करीब दो घंटे तक कैदी हंगामा करता रहा। पुलिस कर्मियों ने उसे समझाने की हर कोशिश की लेकिन वे जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार पुलिस कर्मी उसे वापस जिला कारागार ले गई। कैदी रिजवान ने कहा कि मुझे लखनऊ साजिश के तहत रेफर किया गया है, योगी की पुलिस रास्ते में ही गोली मारकर एनकाउंटर कर देगी। मुख्यमंत्री ने यूपी पुलिस को जाने कौन सी बूटी सुंघाई है कि वे अब एनकाउंटर कर रहे हैं। जब पुलिस लिख कर देगी कि वे जिस हाल में उसे ले जा रही है उसी तरह सुरक्षित रखेगी तो ही उसके साथ जाऊंगा। इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए लिखित इनसे मांग रहे हैं हम कि जैसा मुलजिम ले जाएंगे वैसा ही छोड़ेंगे। कैदी का नाम रिजवान है। उस पर आरोप है कि उसने 2014 में अपनी पत्नी नाजरा बेगम पर घर में तेजाब डाल दिया था। एसिड अटैक से वे गंभीर रूप से झुलस गई थी। रिजवान के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। जमानत पर छूटने के बाद रिजवान फरार हो गया था। इसके चलते अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। 11 महीने पहले अदालत से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस के डर से उसने अदालत में सिलेंडर कर दिया था। रिजवान को किडनी की बीमारी है। डॉक्टर ने उसकी नियमित डायलिसिस की सलाह दी। उसके डायलिसिस के लिए सोमवार को मेडिकल कॉलेज लाया गया था। यहाँ उसने डायलिसिस नहीं कराई। डॉक्टर ने उसे KGMU लखनऊ ले जाने की सलाह दी है। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसे एम्बुलेंस में बैठाया लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि वे पुलिस कर्मियों के साथ जाने को तैयार नहीं था, लिहाजा उसने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस कर्मियों से गोली ना मारने की गुहार लगाने लगा।